नेटवर्क टुडे, मैं जावेद अंसारी बाबू के साथ मैं मौजूद हूँ जेपी के कोविड केयर सेंटर में। यहाँ पर 300 बेड का कोविड केयर सेंटर बनाया गया, साथ में 50 बेड का ऑक्सीजन सिलेंडर। आज यहाँ काफ़ी लोग ठीक होकर गए हैं। हमारे साथ पूर्व मंत्री स्थानीय विधायक राजेंद्र शुक्ल जी हैं। जिस तरीके से लगातार यहाँ पर लोग ठीक होकर जा रहे हैं, और ये कैसे आपको ये प्रेरणा मिली कि यहाँ पर इस तरीके का एक बड़ा सेंटर होना चाहिए? देखिए, कुछ दिनों पहले जब बहुत तेज़ी के साथ मरीज बढ़ रहे थे, उस समय सभी लोगों को इस बात की चिंता थी कि यदि अस्पतालों में बेड की कमी होती है और होम आइसोलेशन में लोगों को रखना दूसरे लोगों को संक्रमित करने का खतरा बढ़ता है, तो समय रहते हम कोविड केयर सेंटर बनाएं और जिनको अस्पताल नहीं जाना उनको घरों से कोविड केयर सेंटर में लाएं, जिससे कि संक्रमण न फैले और वो 14 दिन यहाँ रह के और ठीक होके और अपने गांव भी चले जाएंगे, घर भी चले जाएंगे, गांव और घर के लोग भी बचेंगे। तो ये जो इसका समाधान है, उस दिशा में यहाँ पर कोविड केयर सेंटर बनाने का तय हुआ। इसके लिए जिला प्रशासन के जो हमारे कलेक्टर हैं, उनको भी मैं इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने प्रोएक्टिवली इस दिशा में काम किया, और जेपी संस्थान को भी मैं ग्रुप को बधाई देता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने आगे बढ़ के और अपने जो चेयरमैन हैं जयप्रकाश जी और मनोज गौड़ जी से उनसे बात करके उन लोगों ने भी कहा कि मुझे तो बताया गया कि फैक्ट्री का काम थोड़ा धीमा कर दो और इस कोविड केयर सेंटर को तेज़ी के साथ इसको पूरा करो। तो इस प्रकार की भावनाओं के साथ ये बहुत अच्छा तैयार हुआ, और इसको चलाने के लिए एक ऐसी NGO संस्था की आवश्यकता थी, एक ऐसे टीम की ज़रूरत थी। इसके लिए नागरिक मंच सामने आया, कैलाश कोटवानी जी और हमारे तमाम साथी। तो नागरिक मंच, जिला प्रशासन और JP ग्रुप और विधायक जी का संरक्षण, तो इस प्रकार से ये एक बहुत अच्छा सेंटर बन के तैयार हो गया। जो जब तक कोरोना का खतरा रहेगा तब तक ये सेंटर को चलाएंगे, और अभी जैसे 17 लोग आज डिस्चार्ज हो रहे हैं, 4 कुछ दिन पहले हुए थे और 9 लोग अभी यहाँ पे एडमिट हैं। तो जो लोग भी गए उनसे हम लोगों ने अनुभव पूछा तो बड़े खुश थे, वो भोजन की तारीफ़ कर रहे थे, यहाँ पे जो नर्सिंग स्टाफ है उनकी तारीफ़ कर रहे थे, डॉक्टर की तारीफ़ कर रहे थे। तो कुल मिला के ये सफल प्रयोग रहा है और ये आने वाले दिनों में बहुत हमें मदद करेगा। एक संकट गया नहीं, फंगस के रूप में दूसरा संकट आ गया, उसको लेके हालांकि मेरी यहाँ पर अस्पताल प्रबंधन से बात, उनकी तैयारियाँ भी ठीक है, फिर भी आपको क्या लग रहा है कि किस तरीके से उसको भी रोकथाम कर रहे हैं? उसमें एक टीम बना दी गई है, जो हमारे हॉस्पिटल है संजय गांधी मेडिकल कॉलेज में जो डॉक्टर हैं, तो उसमें ENT से जुड़े हुए जो डॉक्टर्स हैं उनकी एक टीम बना दी गई है, और ऐसे मरीजों में जो ये लक्षण आ रहे हैं उनका एंडोस्कोपी करके जाँच हो रही है, और फिर उसमें जो सर्जरी होती है उसकी भी तैयारी हो रही है, जिसमें कि आँख और गले और कान में, मुंह में, जहाँ कहीं भी फंगस है उसको निकालने की हमारे पास डॉक्टरों की पूरी टीम है जो इस ऑपरेशन को सफलतापूर्वक कर सकते हैं। इसके लिए जो इंजेक्शन की ज़रूरत है उसको भी लाने के लिए हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। अभी 100 इंजेक्शन प्राप्त हो गए हैं आने वाले दिनों में, चूँकि इस दिशा में प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी भी लगातार इंतजाम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से ऑक्सीजन की समस्या दूर हो गई, जिस तरीके से रेमडेसिविर इंजेक्शन की समस्या दूर हो गई, उसी प्रकार से ब्लैक फंगस के इंजेक्शन की भी समस्या 2-4 दिन में, 1 हफ्ते में दूर हो जाएगी, और उन मरीजों का भी हम लोग सफलतापूर्वक उनकी जान बचाने में सफल होंगे। ये थे हमारे साथ स्थानीय मंत्री, स्थानीय विधायक राजेंद्र शुक्ल जी, जिनका साफ तौर से कहना था कोरोना की लड़ाई तो हमने जीत ली, ब्लैक फंगस भी हम आसानी से इसको भी ख़त्म कर लेंगे, तमाम तरीके इंतजाम हम कर लेंगे। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे।